मेरे को शेर शेर की एक छोटी सी लाइन है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है ये अपने फाउंडर्स के लिए बिल्कुल जितने फाउंडिंग मेंबर हैं उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि आज की डेट में हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर हों चाहे अपनी फैमिली में हो या अपने फ्रेंड सर्किल में हो या कहीं भी होंगे आप हर जगह लोग आपसे यही बोल रहे होंगे यार तेरी कंपनी आई नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है आज भी लोग बोलते हैं जो लोग थोड़ा सा नॉलेज है जिनको जिन जो समझ गए हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है यार कैसा आ रहा है जिनको अभी भी नहीं है ना विली वो यही कहते हैं अभी तक आया नहीं तेरा अभी तक आया नहीं तो क्योंकि वो लोग जस्ट रिजल्ट पे ही मैटर करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जो आज का तो टॉपिक है रिजल्ट मैटर जब रिजल्ट हमारा कब आएगा जब हमारे पास एप्पल आएंगे और हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होगी तब उनको लगेगा उससे पहले प्रोडक्ट आ जाएंगे क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो बहुत सारे आते हैं जैसे कि अभी आपके एग्जाम्पल दिया मैम ने जो अभी ये टाटा टी वाला जो एग्जाम्पल था वो ऑलरेडी बना रहे थे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं प्रोडक्ट कितने टाइम से बनाती हैं कितने बनाती हैं और शायद वो मार्केट में आते भी नहीं है नाम भी हमको नहीं पता होगा आई मीन हर एक कंपनी एक आर डिपार्टमेंट चलता रहता है वो मार्केट में आते भी नहीं है और हमें पता भी नहीं लगता लेकिन अपनी कंपनी के बारे में हमें एग्जैक्टली exactly एक एक चीज़ पता लग रही है कि आज ये हो गया आज ये हमारा अपडेट आया आज हमारे आ, आपा, हमारे ओ में ये चेंज आया आज हमारे ये चेंज आया तो अगर हमको भी ये चीज़ नहीं पता लगे हमको सीधे एकदम आउटपुट एकदम रिजल्ट आ जाए तो सारे लोग बहुत सारे लोग जो लोग एक नेगेटिव हो जाते हैं पैनिक हो जाते हैं उनको समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो सही है यार टाइम से वर्क चल रहा था ये लेकिन एक ऐसा सी है जो सेवन आवर कंटिन्यूसली सेवन आवर बैठ के आपके सामने आते हैं और शायद चार पाँच चार साल से कंटिन्यूसली आ रहे हैं एक एक चीज का अपडेट दे रहे हैं एवरी आई थिंक एवरी फिफ्टीन डेज में एक कॉपरेट वेबिनार हमारा हो जाता है उसके बीच में कोई ना कोई हमारा लाइव होता है तो हर टाइम आके अपना फेस बता रहे हैं और वो इतने काइंड हार्टेड है कि अब जैसे कि आपको जो नाइन्टी वो है डॉलर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन वो भी उन्होंने वो कर दिया आगे शायद अभी डिलंध सर का पोर्ट आया था कि वो इतने काइंड मतलब बिग हार्ट है बिग हार्ट है कि आगे भी हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं तो वही बता रहा जैसे भी थ्रेड का भी एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कि थ्रेड में सब्सक्रिप्शन ये ट्वेंटी फोर आवर में अगर वहाँ पे इतना सारे सब्सक्रिप्शन लॉगिन लॉग इन वहाँ पे हो चुके हैं तो उसको भी बनने में बहुत सारा टाइम लगा होगा लेकिन आज की डेट में हम रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारा ट्वे, ट्वेंटी फोर आवर में इतना सब्सक्राइबर हो गए तो लोग रिजल्ट पे ही मैटर करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने बहुत जल्दी अभी आने वाला है आने वाला है और जैसे कि अभी हमारे सी की बात की जाओ कल का जो जो वेबिनार था सिंपल एंड शॉर्ट मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि एक्सर बोलते हैं बहुत सिंपल बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत कुछ बोल गए बहुत कुछ समझा गए वो अपने वेबिनार में कि इतना कुछ आने वाला है आई I मीन mean, जो एक नेक्स्ट बोला कि इसके बाद हमारी एक कैलकुलेट जो एक मीटिंग होने वाली है वो बहुत बड़ा मैटर है बहुत मतलब आई मीन मैटर कह रहा हूँ बहुत बड़ी चीज हो रही है जो कि हमारे सामने कुछ ही टाइम में सामने आने वाली है डेट डेट तो खैर अभी अमाउंट पैसे में कोई मिलती नहीं है आज आएगी कल आएगी परसों आएगी और जो एक आपने देखा होगा कि ट्वेंटी ढाई I mean, दो बज के तेरह मिनट पे लोग मीटिंग चल रही है तो कंटिन्यूसली वो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चलती ही रहती है उसमें तो दिन रात हमारे इसमें काम कर रहे हैं रिजल्ट मैटर लेकिन रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है तो थैंक यू थैंक यू नगमा मैम आपके बहुत अच्छा टॉपिक आपके किया आपने थैंक यू थैंक यूमाटी थैंक यू थैंक यू सो मच मुकेश सर बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी एस एग्जैक्टली exactly, हमारे सीईओ है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है जैसे कि कल भी मतलब हमारे सीईओ को देना बहुत पसंद है जैसे कि बहुत सारे कंपनीज हमने किए हैं, हमारे पॉकेट खाली करके जाते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए बैक एंड रिलैक्स कर रहे इसके लिए कि हमें पता है कि दैट वी आर इन वेरी गुड हैंड और हमें यहाँ पे आने वाला ही है हमार, हमें कुछ देने का है ही नहीं जो हमारे जो हम सभी ने 97 डॉलर्स भी दिए हैं वो भी हमें वापस मिल, अभी मिलेंगे या मिल चुके ऐसे ही हम लोग सोच सकते हैं तो इट्स वेरी अमेजिंग थिंग एंड आई कान इमेजिन कि और हमारे मतलब इतने जल्दी और ऐसे सीओ कभी पैदा भी होंगे सो so, रियल जैसे कि कल भी हमारे सीईओ ने बोला कि आ, हमें जो जो हमारे लिए जो एक प्लान पीछे पूरे आ, हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो प्रिपेयर कर रहे वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है अगर किसी ने सोचा वो तो कभी किसी को दे नहीं सकते एंड वी आर वेरी स्मॉल पीपल की हमें हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतना हमें मिलेगा सो हेड ऑफ 2 आवर सीईओ सो बहुत दिल से उनको कि जितना भी gratitude दे एवरी सिंगल डे उतना कम है तो मैं यही सभी से मतलब प्रे करूंगी कि आप सभी उनके लंबी लंबी लेंदी लाइफ उनके फैमिली के लिए और सबके लिए प्रे करे पूरे टैक टीम को प्रे करे कि मतलब उनका जो विजन और मिशन है वो कंप्लीट कर सके बहुत जल्दी सर सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी मतलब जो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स तो एवरी सिंगल डे हमारे सीईओ और पूरे टैग टीम को तो प्रे करते होंगे सो थैंक यू सो मच मुकेश सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग सो नेक्स्ट हमारे बीच में है आ, और एक वंडरफुल लीडर उनका उनकी भी वॉइस मुझे बहुत पसंद है हमारी चंदा आनंद मैम आइए मैम आपका स्वागत है मैम थैंक यू थैंक यू वेरी मच संगीता मैम आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे नॉलेजेबल बात जो है आपकी तरफ से भी आज जानने के लिए मिला अनिल सर से तो मिलता ही है मुकेश सर से भी मिलता है और नगमा मैम का जो ऑलवेज प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही स्वीट और शॉर्ट तो होता ही है लेकिन बहुत वैल्यूबल होता है अगर उसको ध्यान से देखा सुना जाए तो काफी वैल्यूबल होता है और प्रेजेंटेशन ऐसा अच्छा भी लगता है कि थोड़ा शॉर्ट हो और लेकिन उसमें अच्छा एक संदेश आ जाए सभी को समझ में आ जाए सिंपल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो सो दैट थैंक यू फॉर दिस प्रजेंटेशन नगमा मैम और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था तो मेरा कुछ देखिए थोड़ी देर के लिए हम इस बेबिनार से आउट हो चुके थे घर का किसी काम की वजह से और आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे थे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो मतलब यहाँ बैठे क्योंकि मेरे घर में एक्चुअली क्या है कि इस तरह का जो मेरे है वो वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है है ना तो अच्छे अच्छे लोगों को इस पर बिलीव नहीं होता है तो इस पर बिलीव उन्हीं को है जो इनको शुरू से ऑन पैसिव को देखा है जिया है उसके साथ समय बिताया है और उसको ले करके दिन रात सोचता है तो वो जो है अब एक तरह से ऑन पैसिव का दीवाना हो गया है तो आज फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड देखे तो खैर रिएक्शन तो उनका कुछ नहीं था लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो एक ना एक दिन इस पैनल पर आएंगे और दो सब जरूर बोलेंगे थैंक <laughs> यू तो आज का प्रजेक्टेश के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर के लिए हम मिस हो गए थे लेकिन अपना हम विचार जरूर रखेंगे देखिए मेरा ये मानना है कि हार्डवर्क के साथ साथ जो है स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है और ये भी जरूरी है कि करंट सिचुएशन क्या है अगर आप करेंट सिचुएशन के साथ साथ डिमांड को भी देखेंगे तो किसी भी काम का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और बहुत बेहतरीन आता है लेकिन किसी भी काम को करने से पहले रिजल्ट से पहले भी आ, हमें जो है अपने काम पर पूरी ईमानदारी से फोकस करना होता है जो गोल है उसको सेट करके पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क प्लस वर्क लगातार करते रहना पड़ता है तब जा के एक जैसा रिजल्ट आता है जो सभी के लिए वैल्यूबल होता है जैसा कि अभी हमारे सीईओ एस सर पूरी वर्ल्ड के लोगों के लिए एक मिशन बनाए और उस पर लगातार पांच साल से काम कर रहे हैं बिना इधर उधर ध्यान भटकाए हुए किसी का मतलब बातों को सभी की बातों को इग्नोर करते हुए तो जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है और रिजल्ट दिख रहा है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी बहुत बहुत मैटर करता है बहुत मैटर करता है इतना मैटर करता है कि अब हम सभी अपने जनरेशंस के प्रति भी हंड्रेड परसेंट आशावादी हो गए हैं तो जनरेशंस की बात तो बाद में आती है लेकिन अभी देखिए कि जितने भी सोशल मीडियाज हैं जितने भी डिजिटल टूल्स जो प्रोवाइड करती है तो डिफरेंस तो बहुत है ऑन पैसिव में और आजकल के डिजिटल मीडिया पर लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस है कि अभी आप जैसे हम भी वीडियो बनाए नगमा मैम भी बनाई और भी कुछ अच्छे यूट्यूबर्स बनाए हैं थ्रेड्स का ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं अगर ऐसी बात होती है तो फिर हम लोग फेसबुक पर भी नहीं जाते व्हाट्सएप पर भी नहीं जाते क्यों जाएंगे ऐसी बात नहीं है इस तरह से जो है हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि देखिए एक टूल्स को बनने में कितना साल लगा लेकिन उसके बारे में हमें आपको पता नहीं था वो अचानक एक दिन आता है और दो घंटे में जो है आ, बिलियन बिलियन उसका जो है यूजर्स बन जाता है और उसका बेनिफिट क्या होता है कि मतलब देखते ही